गोरखपुर से बनारस रोड के अधूरे सड़क के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की मांग को समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष गबीस दुबे की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने कचहरी गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसके संबंध में लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष गबीस दुबे ने बताया कि 2014 में केंद्र सरकार ने गोरखपुर से बनारस रोड का शिलान्यास किया था, लेकिन तब से कई साल होने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। पूरा सड़क खराब है और गोरखपुर से बड़हलगंज तक 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष गबीस दुबे ने कहा, मेरा नाम गबीस दुबे है, मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी गोरखपुर से बनारस रोड NH-29 जो 2014 में सरकार बनाने के बाद से ही जो रोड के मंत्री थे गडकरी जी, वो आके उसका शिलान्यास किए थे कौड़ीराम में, और 7-8 वर्ष हो गया और वो रोड कहीं पर भी 20 किलोमीटर एक मुश्त बन नहीं पाया। पूरा रोड खराब है। गोरखपुर से बड़हलगंज आपको अगर जाना है तो ये 60 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए 1.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए, 5 घंटा लगता है, वो भी सही सलामत आप वाहन से पहुंच जाए तो ये भगवान की ही कृपा है। तो इसी रोड के निर्माण के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी के तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे अधिवक्ता सभा के भी सारे साथी मौजूद हैं, हम लोग की मदद कर रहे हैं, और ये अभियान हम लोग अभी 3 दिन तक चलाएंगे। इसके बाद हम लोग इसको गोरखपुर से लेकर बड़हलगंज के बीच में जो प्रमुख चौराहे पे हैं उन चौराहों पे कल हस्ताक्षर अभियान कराएंगे। उसके बाद परसों हम लोग महामहिम के नाम से ज्ञापन और हस्ताक्षरित जितने बैनर हैं सब लेके हम लोग कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे।